मुश्किल हुई, अब बैकएंड पर आ चुके हैं और डेस्ट्रो की एचपी भी कम है और वो दूसरे एंगल से स्पॉट राइट। एंड यहां पे अगर आप देखो जिस तरह से इन लोग मूव इन कर रहे हैं, डेस्ट्रो पिक ऑफ किए मवी को एंड यहां पे इंस्टेंटली कवर फायर आया आदित्य के तरफ से एंड यहां पे काफी ज्यादा ट्रबल मॉर्टल के टीम के लिए। दो प्लेयर्स डाउन है, स्काउट और मॉर्टल को इंस्टेंटली मूव इन करना होगा। पीछे से बैकअप भी आ रहे हैं, वैक्सी और आदित्य वहां पे शायद उनको डिफेंड करना चाहेंगे बट नो, वहां पे स्काउट कवर फायर दे रहे हैं। ऊपर जाके रिवाइव का प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, डेस्ट्रो को अभी तक फिनिश नहीं किया गया है जो अब स्काउट आके कंफर्म करेंगे। यहाँ पे पुश हो चुका है, वैक्सी का पुश आते हुए, इट्स अ 2v2 सिचुएशन, पर देर के लिए बैक ऑफ करना पड़ सकता है। वैक्सी के सामने प्लेयर्स कूदते नजर आ रहे हैं, नीचे की तरफ आदित्य वहां पर आ चुके हैं, वैक्सी एक अच्छा एंगल होल्ड कर टीम को एंगल दिया, ट्रेड को डाउन कर चुके हैं, इसी साइड पर फिर से किसी को जाना चाहेंगे बट ट्रेड आते हुए स्काउट आदित्य और मॉडल को डाउन कर चुके हैं, बट स्काउट ने हमारे एक और प्लेयर को डाउन कर दिया, गन चेंज करते नजर ऑनक की लाइनअप जो भी है यहां पे मॉडल बिल्कुल ऑफ गार्ड पकड़े जा सकता है एंड यस गेट्स कॉट कंप्लीटली ऑफ गार्ड। यहां पे बचने की कोशिश बट डेफिनेटली क्लैश यूनिवर्स इज गोना पाउंस ऑन हिम, बहुत ही ज्यादा ऑफ गार्ड पकड़े गए एंड ही pays the price immediately and ab matlab this was something jo clash universe ne bahut acha convert kiya, thoda main callousness bolunga and yahan pe mortal bhi aate hue but it's the entire team yahan pe mavi bhi aate बहुत बेहतरीन तरीके से उनके कॉल्स बहुत ही ज्यादा यू नो रिफाइंड कॉल्स रहते हैं। सो आई वुड लव टू सी व्हाट हैपेंस टुडे बट वेल स्नैक्स यहां पर इमोर्टल की मुझे नॉक आउट फिनिश करेंगे, टॉक्सिक सिंह को भी यहां पर डाउन किया जाएगा रेगटॉस के द्वारा, रेगटॉस इज ऑन फायर राइट नाउ, फिनिशेस निकालने की कोशिश है, एकेएम काफी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इनके पास क्लोजिंग के लिए वेपन है और 3 times से अब शॉट्स दिए जा रहे थे ताकि वो जो चिप डैमेज है वो धीरे धीरे करते रहे, इनको पता है इनके सामने एक प्लेयर है तो मतलब उनका स्क्वाड भी पीछे और हो सकता है, तो ग्रेनेड्स दे करके एक अच्छे फ्लो में डैमेज निकालने की कोशिश होगी, अगर कोई रिवाइव कर रहे हुए तो जरूर दिक्कत दे सकते हैं, देयर इट इज दैट्स रेगल्टॉस फॉर यू, 3 finishes आते हुए टीम के पास 6 आ चुके हैं पॉइंट्स और ये 6 finish points इनके ओवरऑल स्टैंडिंग्स में जरूर अच्छा एक रिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। 5 टीमें देवियों से चुनो, 14 लोग 5 टीमें बची हैं, देखते हैं ये पहला चिकन डिनर किसके हिस्से में जाता है। रोनक का स्क्वाड एक तरफ आप देख सकते हैं, जो सांगवान का स्क्वाड है वो मिडिल एरिया होल्ड करके बैठा हुआ है, पीछे आईएनडी का स्क्वाड है एंड दे नो व्हाट दे आर हियर टू डिलीवर अ रियली गुड गेम प्ले, नोवा किंग वहां पर पंक को पिक ऑफ करते नजर आ रहे हैं, उसी के साथ 4 टीमें बची है। बिल्कुल अगर यहाँ पे आप देखो आईएनडी यहाँ पे ऑन अ रोल राइट नाउ, उनको कोई चीज का टेंशन नहीं है, 4v3v3 का सिचुएशन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रादर इट्स 4v3v2v2, हाँ तो काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। यहाँ पे आईएनडी के पास मैन एडवांटेज है, आईएनडी के पास मोटिवेशन एडवांटेज है, कॉन्फिडेंस एडवांटेज है, दे जस्ट नीड टू गो, बट एक बात ओशन आई एम सुपर इंप्रेस द वे क्रॉन्टेन की टीम ने खेला है, जिस तरह से क्रॉन्टेन ने अपनी टीम को फ्रंट से लीड किया है, उसको प्यारा कवर मिला, ही डिड अ ग्रेट जॉब एंड डार्क का सोमराज को पिक ऑफ करने के लिए बहुत ही शानदार स्प्रे बट इंस्टेंटली गेट्स पनिश्ड बाय गमला boy. Well, M249 used to be a poetry of 100 bullets. अब ये स्टोरी बन रही क्योंकि 150 गोलियां इसमें आती है धीरे धीरे। उन सब के बाद अब देखिए क्रेटोस यहाँ पर ग्रेनेड्स काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं, इनको कहने के दलजीत के पास पहुंचना ताकि ये ऑफ एंगल्स देख सके बट वहीं पर स्नैक्स को डाउन किया जाएगा और दलजीत एक अच्छा ट्रेड लेगा क्रॉन्टन का और सीधा फिनिश करेंगे, कोई समय नहीं गवाएंगे और यहाँ पे सांगवान और डार्क बिल्कुल तैनात है। देखिए टीम आईएनडी के सामने हमने बहुत बार देखा है कि कभी कभी ऐसे फेवर में निकल जाता है, वही होते हुए डार्क ने पे आतंकी को पिक ऑफ किया, स्नैक्स भी शायद स्पॉटेड एंड डार्क नॉ पे क्रेटोस को भी लिया अपने M249 के साथ ऑन अ रोल, बट स्नैक्स डिड अ वेरी स्मार्ट जॉब, वहां पे नेट यूज किया क्योंकि लोकेट नहीं कर पा रहे थे एंड इंस्टेंटली डार्क को फिनिश ऑफ भी करेंगे। सांगवान अकेले बचते हुए डाउन टू 2v2v1, यहां पे obviously INDS an advantage but I think ye advantage ko jyada tak rakh nahi payenge because they will eventually won't be able to go for the revive but look at that molotov, kya shandar molotov wahan pe daljeet ki taraf se sangwan ko spot karte hue and sangwan kafi damage, I think he'll go for the heal because smoke ka cover hai unke paas, daljeet acche tarike se suppress kar rahe apne opponents ko aur wo cheez karte mein wo kafi zyada behtri yahan par dikha rahe hain, sangwan ek HP par bache is literally surviving on one pixel right now, one mistake and yes he'll be taken down, daljeet ke baad jab teesra apne chahta aur ab ye aa chuke hain front team se fight karne ke liye, raj ko samne लेकिन वो जो 15 points है वो 15 points नोवा किंग लेकर के जाएंगे क्या, क्या वो यहाँ पर हमें एक 1v4 करते नजर आ सकते हैं या फिर INDS काफी बेहतरीन तरीके से चिकन डिनर निकालेंगे, देयर इट इज द फर्स्ट एवर विनर विनर चिकन डिनर कमिंग अप फॉर टीम स्नैक्स, ब्रिलियंट।